वार्ता रखी गई है अखिल भारत हिंदू महासभा या कारसेना की, दोनों ने संयुक्त रूप से रखी है। और आज का जो हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसले देती आ रही है कंटिन्यू, हर फैसले से कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। अभी हमारा पर्व दिवाली आने वाला है और उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बम पटाखे हैं उसकी एक टाइमिंग बांधी है। क्या उन्होंने किसी पंडित से पूछा कि हमारा मुहूर्त कितने बजे से स्टार्ट होता है, कितने बजे तक समाप्त होता है? अब हम सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चलें या अपनी धार्मिक जो भावनाएं हैं, जो हमारा मुहूर्त का सिस्टम है उससे चलें, बड़ी दुविधा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि कृपया करके हमारे हिंदू समाज को इस दुविधा में ना डालें और हमारी जो खुशियों पे पाबंदी लगाई जा रही है उसको ना लगाएं और कृपया करके ध्यान रखें कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है वो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ लोग हिंदू रहते हैं। तो वैसे तो जब इलेक्शन भी होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सरकार उसकी बनती है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। तो उसके हम सख्त खिलाफ़ हैं और हिंदू समाज के अंदर रोष है। हिंदू महासभा दारासेना इसका विरोध करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और हम चाहते हैं कि इस तरह के डिसीजन लेने से पहले वो संत समाज से भी पूछ ले, हमारे जो पंडित हैं उनसे भी ज़रा पूछ ले। कम से कम ये तो देह कि हिंदुस्तान की अदालत और हिंदुओं के खिलाफ फैसला, बड़ी विचित्र पोजीशन है। तो हम इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है कि दिवाली से पहले दिल्ली के अंदर बहुत बीमारियां फैलती हैं या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बीमारियां फैलती हैं। तो दिवाली का त्यौहार कोई ऐसे नहीं है, साइंटिफिक तरीके से है ये। जो बम पटाखे छुड़ाए जाते हैं इसका भी एक रीज़न है। हम रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे उसकी खुशी तो मनाते मनाते हैं, लेकिन जो हम बम पटाखे छुड़ाते हैं उसके कई फायदे हैं। आपने देखा होगा दिवाली के बाद अक्सर बीमारियां कम हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हम जो बम पटाखे छुटाते हैं उससे जो मलेरिया डेंगू के मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं, उसी से बीमारियां कम होती हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं कि इस तरह के निर्णय ना दें, हम उसके खिलाफ हैं। और देश की जनता को कहना चाहते हैं कि खूब बम पटाखे चलाओ, बीमारी भगाओ, ये हमारा नारा है। और हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए भी हैं और बीच बीच में जाते भी रहते हैं, कंटिन्यू लगाते रहते हैं हम एप्लीकेशनें। तो इसके हम खिलाफ़ हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इसके विस्तार से बीमारियां कैसे भागती हैं, क्या क्या बम पटाखे के अंदर होता है, वो विस्तार से हमारे जैन साहब बताएंगे और इसके बारे में हमारे मुन्ना कुमार जलन शक्ति हैं वो बताएंगे। आज हम लोग धनतेरस के दिन बैठे हैं और 2 दिन बाद हमारा महान पर्व दीपावली आने वाला है। आप सबको पता है कि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया है जिसके द्वारा केवल 2 घंटे रात में 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा छोड़ने की इजाज़त दी गई है, और उसमें भी केवल ग्रीन पटाखे ही छोड़े जाएंगे। और जिन दुकानदारों के पास ग्रीन पटाखे बनाने का प्रूफ नहीं है उनकी दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाता। अब ये 125 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है ये हिंदुस्तान, और इसमें 125 करोड़ हिंदुओं को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय से उनको अपना पर्व मनाने में असमर्थ हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है वह पूर्ण रूप से हिंदू भावनाओं पर आघात है, हिंदू भावनाओं के विपरीत है। और मैं यही कहूँगा कि आपकी इस विषय में जानकारी न होने के कारण अगर कोई गलत निर्णय हो गया है तो इसको आप कृपया बदल दें और हिंदुओं को पूरी तरह से दीपावली मनाने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि साल भर में ये त्यौहार आता है और हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक प्रदूषण की बात है, कई चीज़ों से प्रदूषण फैल रहा है। खेतों में पराली जलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, उससे भयानक प्रदूषण हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लग रहा। गाड़ियाँ जो चल रही है उससे काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर कोई नियम कानून विशेष नहीं है जिससे कि ये कंट्रोल हो। केवल दिल्ली NCR के लिए कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट या NGT का ऑर्डर आता है और पूरा हिंदुस्तान प्रदूषण फैलाते रहता है।
जो बकरीद में जानवरों को काटा जाता है उससे भी भयानक प्रदूषण फैल रहा है। आप जहाँ जहाँ भी बूचर खाने हैं वहाँ उन इलाकों में जाकर देख लें वहाँ कितना प्रदूषण फैल रहा है। तो केवल दीपावली को टारगेट करना, केवल हिंदू त्योहारों को टारगेट करना ये कभी भी उचित नहीं है। और आपने देखा कि बार बार ये हिंदुओं की भावनाओं पर आघात हो रहा है, कभी दीपावली पर रोक, कभी ये अभी जो निर्णय राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो आया था पिछला कि हमें जनवरी तक फुर्सत ही नहीं है, एक आतंकवादी के लिए रात में 12-1 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुनवाई कर लेते हैं, और हिंदुओं का इतना बड़ा राम जन्मभूमि है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम का जन्म स्थान है वहाँ पर उनके लिए समय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से निर्णयों के कारण हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है और हो सकता है कि हिंदू बेकाबू हो जाए और कोई भी आदेश ना माने। हम हिंदुओं को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने और उसका बहिष्कार करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा निर्णय बार बार होता रहा और इसमें सुधार नहीं आया, हिंदू विरोधी जो निर्णय हुए हैं उसमें सुधार नहीं किया गया, तो हिंदुओं का सब्र का बांध टूट जाएगा और वो कोई भी आदेश मानने से इनकार कर देगा। और यहाँ जो ये कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, उसका पालन होना बंद हो जाएगा। इसलिए कोई भी निर्णय ऐसा हो जो कि यहाँ के निवासियों के हित में हो और उसकी भावनाओं के अनुकूल हो। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सर्वोच्च न्यायालय की हरकतें चल रही हैं, ये हरकतें हिंदुस्तान से नहीं चल रही हैं, ये इंग्लैंड और अमेरिका से चल रही हैं। मेरा ये कहना है आप लोगों को, हम हिंदुस्तानियों को फिर से गुलाम बनाने की सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा साजिश चल रही है। दिवाली के पटाखों को जो रोक लगाई जा रही है उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारने की जजों की, CIA की, अमेरिका की, इंग्लैंड की महारानी की, इन सब की साजिश चल रही है। आप देखिए ना, अभी पीछे 5 नक्सली आतंकवादियों को जिनकी फंडिंग CIA से होती है उनको महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा, सुबह पकड़ा, 3:30 बजे याचिका लगती है, 4 बजे सुनवाई हो जाती है और 5 बजे उनको छोड़ दिया जाता है। ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो गिरोह है ये नक्सली आतंकवादी और देशद्रोहियों का गिरोह है, और इसी गिरोह ने जो इनके आका है अपने आकाओं को की बात मानकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारने की साजिश रखी है। आप कहोगे पटाखों का 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारने से क्या संबंध है? पटाखों में गंधक होती है, कार्बन होती है, ये दोनों जीवाणुनाशक है। आपने देखा होगा कि जब पानी साफ करना होता है तो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है पानी साफ करने। गंधक में सल्फर डाइऑक्साइड में इतनी बड़ी से बड़ी ताकत है कि बड़ी से बड़ी महामारी फैल रही हो, और उन महामारियों के कीटाणुओं को, मच्छर नहीं मैं कह रहा हूं, महामारियों के जीवाणु जो दिखाई देते हैं उनको विनाश करने में दिवाली के पटाखे सबसे कारगर है। अभी आप देखिए मच्छर भगाने के लिए फोगिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, वहां इनको प्रदूषण दिखाई देता है, उसका कान फोड़ू शोर है, उसमें कितनी बदबू आती है कि जीना दुश्वार हो जाता है, किंतु पटाखे जिसको मना के खुशी होती है उनके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। आज से 100 साल पहले 1885 से लेके 1915 के बीच में 2 बार अंग्रेजों ने प्लेग फैलाया, और उस प्लेग को हम लोग कार्तिक की बीमारी कहते हैं क्योंकि कार्तिक में ही उस पर काबू पाया गया। हम लोगों ने घर की सफाई की, दिवाली है छोटा मोटा पर्व नहीं है, दिवाली विषाणुओं से जीवाणुओं से लड़ने का महापर्व है। जिस घर के कोने में हम साल भर हाथ नहीं लगाते उस कोने को भी हम साफ करते हैं, उसके बाद हर साल पुताई करते हैं, उसके बाद पटाखे छुड़ाते हैं, और ये सब छुड़ाने के पीछे हमारी कारण यही है कि हम बड़ी से बड़ी महामारी से लड़ सके। अंग्रेजों ने जहां पर राज किया है, अमेरिका में राज किया, कनाडा में राज किया, ऑस्ट्रेलिया में राज किया, वहां का कोई मूल्यवासी जिंदा है जो कह सकता है कि मेरी भूमि ये है? किंतु हम जिंदा थे, हम जिंदा सिर्फ इसलिए हैं कि हमने दिवाली पर पटाखे छुटाकर जीवाणु का नाश किया। 12 करोड़ हिंदुस्तानी जब अंग्रेजों ने 1885 में लेके 1915 के बीच में प्लेग फैलाया तो 12 करोड़ हिंदुस्तानी इसमें मारे गए थे। मेरे परिवार के भी 8 लोग उसके प्लेग में कालकल्पित हुए थे, क्योंकि हमने 2-2 बार प्लेग पर
काबू पाया। इसलिए ये अंग्रेज घबरा गए कि इनमें क्या ताकत, तब उन्होंने देखा कि इनको इनकी जो हिंदुत्व की प्रणाली है, मुर्दा घर में कोई मरा तो उसको उठा के सैया के नीचे कर दिया, दाह संस्कार किया, नीम की पत्तियां चाबी, हाथ धोए, इस कपड़े को नहीं छुआ जिस कपड़े को हमने मुर्दे को छुआ, ये सब इनको पता था। तब इन्होंने इन सबको विनाश करने के, हमें विनाश करने के लिए छुआछूत के विरुद्ध कानून बनाया, इसके बाद अब पटाखों के खिलाफ कानून बनाने, इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ एक ही अख्तियार है कि वो इस संविधान का पालन करें, जिस संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं उसका पालन करें। विस्फोटक अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को 2 किलो पटाखे रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को एक समय में विस्फोटक अधिनियम के तहत 2 किलो पटाखे रखने का अधिकार है। विस्फोटक अधिनियम में लिखा है कि किस तरह के पटाखे बनने हैं, किस तरह के पटाखे छूटने हैं, किंतु ये ना तो संविधान को मान रहे हैं, ना संसद को मान रहे हैं, ना राजभाषा कानून को मान रहे हैं, ना SC ST एक्ट को मान रहे हैं। इन लोगों ने निहायत बदतमीजी, देशद्रोह और संविधान के प्रति सत्य आस्था की शपथ को तोड़ा जा रहा है न्यायाधीशों के द्वारा, और संविधान के प्रति सत्य आस्था की शपथ को तोड़ने के बाद किसी भी न्यायाधीश को उस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई औचित्य है। दिवाली के पटाखों पर 23 तारीख को फैसला दिया, पटाखों की दुकान खुल गई, किंतु पूजा धन नाम की एक CIA के एजेंट है और इसकी सहेली है, प्रशांत भूषण की सहेली है वो, उसने 26 तारीख को एप्लीकेशन लगाया, 26 को सुनवाई हो गई और 31 को फिर पटाखे बंद कर दिए। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे और ना कोई मौका दे रहे हैं। तो मैं तो सरकार से कहूंगा और खासतौर से हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि हिंदू महासभा की सरकार बनाए, और जिस दिन हिंदू महासभा की सरकार बनेगी ये जितने भी जज हैं हम एक एक को उठाकर फांसी पर लटकाएंगे सड़ेआम, क्योंकि ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा चक्र को तोड़ रहे हैं, 130 करोड़ लोगों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश में ये जज लिप्त हैं, चाहे वो TS ठाकुर हो, चाहे दीपक मिश्रा हो, चाहे रंजन गोगोई हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जजों की नियुक्ति में ना ये संविधान को मान रहे हैं, संविधान के अनुसार मुख्य न्यायालय की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति संविधान में साफ लिखा हुआ है, किंतु उसके बावजूद भी TS ठाकुर ने जगदीश सिंह खेर के नाम की सिफारिश की, जगदीश सिंह खेर ने दीपक मिश्रा के नाम की सिफारिश की, और दीपक मिश्रा ने रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश करके एकमात्र सिफारिश की। और मैं सरकार से चाहता हूँ, खासतौर से राष्ट्रपति से भी अनुरोध करता हूँ कि ये जज तो संविधान को मानते नहीं है, किंतु आप राष्ट्रपति हैं, इनको जजों की बिल्कुल नियुक्ति ना करें जो हिंदू विरोधी जज हैं, हिंदू द्रोही जज हैं, इनकी नियुक्ति करने का जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में प्रावधान है उसी के तहत नियुक्ति करें, तभी इनके पर काटे जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो कुछ घोषणा करें संगठन के। नहीं नहीं, ये तो कोई क्वेश्चन, कितने जुड़ेंगे, हम तो स्थान और मान और धन के साथ नहीं, नहीं, जो बोला है उनकी जो बैठक हुई उसमें बताया गया है, जो को भी समझाना चाहता हूँ कि जज अपनी मर्यादा में रहकर और हिंदुओं की मर्यादाओं को समझते हुए अपने बयानबाजी दें, अपने निर्णय दें, नहीं तो कोई ना कोई हिंदू, क्योंकि हम हिंदू महासभा के लोग हैं, गोडसेवादी लोग हैं और हमें गांधीवादी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर इस तरह के निर्णय द्वारा से आते रहे तो कोई ना कोई हमारा हिंदूवादी आदमी कुछ भी करने के लिए सक्षम है। और मुझे लगता है कि जो इन न्यायाधीशों को सबक सिखाएगा हम उसको पुरस्कृत करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे। इसमें राम की मूर्ति बनने जा रही है 108 फीट जी, आपको ये नहीं लगता कि राम मंदिर से भटकाने के लिए ये एक तरह से षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है लोगों को? हमें नहीं लगता और स्वागत योग्य है। नहीं तो राम मंदिर बनने के लिए मुहिम से अलग, नहीं उसके लिए मैंने बताया मुहिम चल रही है और अल्टीमेटम भी दिए जा चुके हैं और अभी 3 प्रांतों में अलग अलग सारे साधु संत जुड़े, इससे कई संगठन अलग होने की, 9 नवंबर को उसी का अभी मैंने बताया ना कि अभी 9 दिसंबर को जो दिल्ली के 6 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये मूर्ति का अनावरण करेंगे अपना वहाँ पे बनाने के लिए, हमारे दूसरा कुछ पर्यटन बढ़ेगा अयोध्या के अंदर, पर्यटन देश विदेशी आएंगे, बन जाने के बाद बढ़ेगा, लेकिन ये भटकाने की एक साजिश है ना, उसने साजिश नहीं है, उससे हमारे हिंदू धर्म का ही फायदा होने वाला है ना कि नुकसान। अब समर्थन में समर्थन करेंगे? हाँ, योगी जी का हम समर्थन करेंगे, कई संगठन इसके विरोध में, कई संगठन इसके विरोध में भी है।